और ये देखो, ये होते बाफले का मजा। गुड मॉर्निंग इस चमकीले सूरज के साथ, और नया दिन नई चीजें। रसोई बन रही है अपने छत पे अभी, और सब अभी तैयारियां चल रही है, ये नाश्ते वगैरह की तैयारी। चाय के लिए दूध पड़ा, और ठीक है अब नीचे दिखा दूँ, काफी लोग आए हुए। सो एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में खम्मा गणी फ्रॉम राजस्थान। और भाई दूज इस वजह से खाना है, और सभी लोग मतलब मेरे नाना जी साइड से सब लोग आए हुए हैं, सबसे मिलना जुलना, काफ़ी बड़ी फैमिली, करीबन 30-35 लोग आए हैं। एक नंबर आने लाने वाला आज के ब्लॉग में, बने रहो। महाराज कितनी देर में रेडी हो जाएगा सब, क्या खाना वगैरह? 12-1 बजे हाँ, पूरा खाना बनने में हाँ। अच्छा, तो बाल्टी भर के चाय, सभी लोग मेहमान नीचे आ गए हैं, तो उस हिसाब से ये आओ। जय हिंगलाज। आओ आओ। हाँ बस इतने लोग, बाकी के लोग कहाँ हैं? तो देखो अपने बन रहा है एकदम प्योर राजस्थानी खाना। यहाँ पे कढ़ी है, ये नाश्ते का आलू वड़ा वगैरह बन रहा है, इक्कत बन रहे बाफला मसाला बाटी, और सादा बाटी भी रहेगा, और बाकी उसके साथ लहसुन की चटनी, कढ़ी, पुलाव और 3-4 और आइटम है, करीबन 10-12 आइटम है। और जो राजस्थानी खाने का जो फील रहता है वो एक नंबर रहता है। यहाँ पे हवन चल रहा है, नाना जी बैठे हैं, नानी जी, और अभी ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं होटल वगैरह से, और सब लोग का भी नाश्ता वगैरह चल रहा है यहाँ पे। जय हिंगलाज, जय हिंगलाज। हाँ ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः पूर्वानुकमिव वन्दनान्योर्मुष्यमानता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ये इससे आवृत्ति ओम यदस्य कर्मणो त्यारीरिचम यद्वा नूनम इहाकरम अग्नि सृष्टिकते विद्या सर्वम सृष्टम सुहृतम करोतु मे अग्नये सृष्टिकते सूत हुते सर्व प्राचित आवितम कामानां समर्दये स्वाहा इदम् अग्ने सृष्टिकते इदम् 60-65 किलो की ये बर्फ की सिल्ली, क्योंकि जो फ्रूट क्रीम वगैरह बन रही है उस हिसाब से, तो अभी हम लोग एक्टिवा पे डाल के ले जाने वाले हैं। और आज के व्लॉग में मेरा चेहरा बहुत कम दिखेगा आप लोग को, ज़्यादातर सब और गेस्ट वगैरह का सबका दिखेगा, ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है एंड टाइम पे, कुछ ना कुछ यही जाता है ऐसी चीज़ें, एंड टाइम पे भागना पड़ता है। ये लो भैया सफल मटर और ये लहसुन, ठीक है, और ये वो बर्फ़ की सिल्ली आ गई, हाँ ले आओगे ऊपर। आधी आधी करके ले जाना, है ना? आ जाओ। हाँ। तेरे लिए, है ना? या। थोड़ों के तो थोड़ा ध्यान से बोलना। हिम्मत नगा। जय 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 जय
अंदर आते से खुशबू, ये होते बाफले। कितनी देर और लग जाएगी महाराज? तो देखो दोस्त, वो नोट फ्रॉम राजस्थान, तो आप लोग को बता दूं, अभी एक होता है बाटी, मतलब जिन लोग को, जो लोग राजस्थान के बाहर से हैं और मोस्ट ऑफ जो राजस्थान के, उन लोग को भी नहीं पता कि बाटी के अलावा भी एक और वैरायटी होती है, इट्स कॉल्ड बाफला। तो ये बाफले का टेस्ट अलग ही आता है, बाफले का इसको कुक करने का तरीका एकदम अलग होता है। मुझे भी पता है कैसे बनाते, ऑब्वियसली यदि मैं बता रहा हूँ, मुझे मेरा फेवरेट है बाफला, बाटी से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। ये क्या दाल उबल रही है? वाह। तो देखो अब एक्सपर्ट ही आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। देखो किस कैसे देसी तरीके से एकदम बनाया जा रहा है, ये कंडे के ऊपर बनाया जा रहा है, मस्त कड़ी लहसुन टमाटर की चटनी। वाह, इसकी खुशबू, आई विश आपको मैं स्मेल करा पता, बट नहीं, पॉसिबल नहीं। हाँ भैया बताओ, बाफले आटा लग के उसमें थोड़ा, और इसमें सौंफ दाना अजवाइन डलता है, उसके बाद इसको पानी में उबाला जाता है। हाँ, पानी में उबाल के इसको फिर कंडों में सेकेंगे। अच्छा, पहले पानी में उबलते हैं। हाँ, फिर कंडों में सेकेंगे, इसलिए बाफला कहते हैं ना, क्योंकि बाफते हैं उसको, बॉइल करते हैं ना। गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, उसी इसी का असली फ्लेवर आता है इसमें, धीरे धीरे पकता है तो उसका अलग ही टेस्ट बनता है। बराबर है। तो ये बाफला इसी वजह से कहा जाता है इसको, क्योंकि वो पहले उसको बाफते हैं, दैट मीन्स उसको बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको छाने के ऊपर पकाया जाता है, और उसका जो टेस्ट आता है ना, कभी मौका मिले राजस्थान आने का, पर राजस्थान में ऐसे बाफला भी, बाटी तो बाटी मिलती है, बाफला तो बहुत कम मिलता है। हाँ, कोटा साइड, हमारे हाड़ोती साइड ज़्यादा चलता है बाफला। यदि लाइफ में कभी मौका मिले तो बाफला जरूर खाना, बाटी भूल जाओगे। और बाकी मसाला बाटी भी बनाने वाले हैं, तीन तरीके की बाटी और बाफला है। तो बाफले तो देखो कितना एकदम बाटी से एकदम ह्यूज साइज होता है बाफले का, और ये देखो ये बाफले पचधारी कत, और ये है अपने बाजरे के कत। वाह, देखो घी डल रहा है जो, देखो इसके ऊपर घी से ही इसका, मतलब राजस्थानी खाने में तो आप जितना देखोगे ना, उतना घी, घी की मात्रा जितनी ज़्यादा रहती है उतनी किसी और, आई डोंट थिंक कोई और क्यूजिन में आपको मिलेगी। ये लहसुन प्याज की चटनी, खुशबू जोरदार आ रही है। ये दाल, वाह दाल देखो जोरदार, कलर मस्त आया, कड़ी एक नंबर। पुलाव हो गए भाऊजी? पुलाव भी रेडी हो गए, वाह ठीक है। और ये देखो, ये होते हैं बाफले का मजा, ये प्योर कंडे के ऊपर, अब जो ये जो कंडे के ऊपर जो सिक रहा है, इसका फ्लेवर अलग ही आता है, एक नंबर, सारा स्वाद उसी का है, और बनाने का इसका तरीका एकदम बाटी से अलग है। ये मसाला बाटी का मसाला, इसमें ये फ्रूट क्रीम, अंदर कस्टर्ड फ्रूट वगैरह डल गए इसमें, कस्टर्ड ठंडी हो रही है बर्फ में, बर्फ की सिल्ली आधी पड़ी है और नीचे भी है, अभी और जरूरत पड़े तो ले लेना। ये रे पुलाव, सही रविवार, संडे यानी और आज खुशी का दिन है दोस्तों। मेरी प्यारी छोटी बहन ने, बड़ी बहन है ये, गायत्री खत्री राजस्थान कोटा से, हमारी बहन ने मस्त मकान बनाया है, और आज इस खुशी में हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे पापा भी यहाँ आए हैं। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब ये भगवान के भोग की तैयारी चल रही है, सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा। सही तो है, जय हो, जय सभी देवता। हाँ, हिंगलाज माता जी, हिंगलाज माता जी की तरफ से गरम गरम बाफला, गरम गरम घी के अंदर, देखो क्या बबल्स उठते हैं। वाह, तो यहाँ अलग अलग डिविजन्स हो चुके हैं, मतलब इतने पार्ट में मीठे की खुशबू आ रही है, उतने में लहसुन की खुशबू आ रही है, मतलब पूरा काफी, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, क्या बताऊँ, जोरदार। ये आंटी जी बना रही है, मसाला बाटी बन रही है, इसके अंदर ये वही कचौरी का मसाला डलता ना जी, कचौरी का मसाला है। रविवार को नहीं तोड़ते वैसे तुलसी जी, दो प्लेट दो थाली रेडी है, तुलसी का पत्ता लगा के भोग के लिए, एक लगेगी भगवान को,
और एक दादा जी दादी जी का नीचे है ना ये ग्लास पड़े नीचे भगवान के भोग। इसको क्या बोलते हैं बाबा, तीन बार जल गिराते जो आचमन, आचमन मतलब ये जल गिराते हैं उसका आचमन ही बोलते हैं। अच्छा, मतलब भगवान को जल भोजन के बाद जैसे अपन पानी का सेवन करते हैं ऐसे ही भगवान को भी वो सेवन कराते हैं तो उसको आचमन बोलते हैं। दादाजी दादी जी के लिए भोग। सर्विंग के चक्कर में ये दूसरी या तीसरी पंगत बैठ रही, हमें वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि सबको सर्विंग वगैरह चल रहा है, बाकी सब लोग को काफ़ी अच्छा लगा खाना। ये सबको विदाई, मिठाई के बॉक्स, स्पेशल राजस्थान के कत, गुड़ के और पचधारी का जोरदार, मतलब एक नंबर कार्यक्रम हो गया, बहुत मजा आया। काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो मैं आप लोग को बता नहीं पाया क्योंकि उस मोमेंट को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी था रादर देन शूटिंग दैट। और पूरी सब थकान जो है वो एक जगह आके उतर दी, उसमें माँ का आंचल, माँ की गोदी में आके सारी थकान उतर दी। तो भी हम लोग सब लोग गेस्ट लोग गए, सिर्फ हम लोग बैठे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। चालू कर, अरे यार मेरे को बोलने नहीं दे रहे लोग, शुक्रान फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखते, कुछ तोड़ फोड़ करते। शुक्रान फॉर।